शिवराज जी कह रहे कि प्रियंका जी यही झूठ की दुकान सजाकर चली गई। शिवराज सिंह जी क्या बोल रहे हैं उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश कर्जदार हो गया है। मध्य प्रदेश का नौजवान किसान, आम इंसान अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। लगभग 22,000 घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने करी, उन घोषणाओं का पालन नहीं हुआ। और ठीक चुनाव से पहले वो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। वो ऐसी झूठ की मशीन है जिसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। एक सवाल और उन्होंने किया कि नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि आप लोग रीजनल हिंदू हैं, सीजनल हिंदू हैं, सीजन के टाइम हिंदू बन जाते हैं, बाकी टाइम हिंदू नहीं। मैं द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी का दीक्षित शिष्य हूँ। अगर मैं जनेऊ धारण करके बैठा हूँ, अगर मैं सुबह पूजा करके निकला हूँ, तो मैंने दिखावा नहीं किया है। हम सनातन धर्म के प्रति आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि हम सनातन धर्मी हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये ठीक चुनाव से पहले अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये असफल होंगे। शिवराज जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो शिकायत की है कि राम मंदिर के पोस्टर निकलवाए गए हैं, जो प्रदेश में लगे हुए हैं, तो आप लोग राम भक्त नहीं हैं, आप लोगों को मंदिर में जाने। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किस समय हुआ? 192 फीट दूरी पर उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। जो राम सेतु की बात कर रहे हैं, राम सेतु के बारे में तत्कालीन जो कानून मंत्री हैं उन्होंने क्या घोषणा की? एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करते हुए उन्होंने ये कहा 2007 में कि श्रीमती सोनिया गांधी जी की पहल पर हमने ये स्पष्ट किया है कि राम सेतु है, भगवान श्री राम में हमारी आस्था है। और मैं उनकी पेपर कटिंग, उस समय की प्रेस वार्ता अभी आपको दे दूंगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नाते उन्होंने जो द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के लिए संदेश भेजा था और बाद में पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री के रूप में उनका लिखा हुआ पत्र अभी आपको दिखा दूंगा, जाने से पहले देखते जाइए।